हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज किरण और आप देख रहे हैं इंडियन ब्यूटी किरण विद मी। तो गाइस, मैंने अभी रिसेंटली मीशो से शॉपिंग की है। मैंने अभी रिसेंटली मीशो से परचेज किया है एक हेयर स्ट्रेटनर, जिसे कि आपको इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो ये हेयर स्ट्रेटनर जो है सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिला। जो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखाऊंगी, सबसे पहले चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग करते समय मैंने देखा कि इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, नॉर्मल सी पैकेजिंग है, ज़्यादा फैंसी पैकेजिंग नहीं है। और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और इसके अंदर जो केमी का प्रोडक्ट है, केमी जो ब्रांड है, आई डोंट नो ये कहाँ का ब्रांड है, बट केमी ब्रांड का मैंने हेयर स्ट्रेटनर परचेज़ किया है फ्रॉम द ब्रांड मीशो, फ्रॉम द ऐप मीशो। तो गाइज, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि कैसे बालों को आपके कर्ल करता है। जो रियल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी ये कॉर्ड मिलती है, ये आपको बहुत मतलब हैंडी हो जाता है कहीं भी ले जाना। छोटू सा है और किसी भी गर्ल के लिए, कहीं भी आप अगर बाहर अपने रिलेटिव्स के घर पे किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपको अपने हेयर स्ट्रेट या फिर कर्ल करने हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थिंग हो जाता है। आप पार्लर्स में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते और अब वैसे भी कोविड का टाइम है, सो वी कांट गो टू पार्लर्स। तो देखिए आप कितनी लंबी इसकी कॉर्ड है, काफ़ी ज़्यादा लंबी इसकी कॉर्ड है, ऑलमोस्ट 1 to 1.5 meters। तो आप इजीली इसे किसी भी चार्जिंग स्लॉट में लगाकर इसे मतलब ऑन कर सकते हैं। और इसकी यूज़र मैनुअल है, आई डोंट नो इस पर कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, बट इसमें इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। यू कैन सी इसमें लिखा हुआ है काफ़ी सारे, मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत है, सो इसको साइड में रख देते हैं और डायरेक्टली सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो आप देख सकते हैं गाइज, इसमें यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, इसे आप ऑन कर सकते हैं और इससे इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बस इसके अंदर और ज़्यादा कुछ है नहीं, ना ही इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह के बारे में कुछ दिया। ये ऑटोमेटिक है, ये 30 seconds में अपने आप हीटअप हो जाता है और ज़्यादा हीटअप होने के बाद अपने आप ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है। तो आपके हेयर्स को ये ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाएगा। और केमी ब्रांड है, आप देख सकते हैं इसका ब्रांड है केमी, जो कि आई डोंट नो कौन सी कंट्री का ब्रांड है, बट लेट्स होप। और इसकी जो ये प्लेट्स हैं, ये सेरामिक प्लेट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे इनकी शाइन, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव सी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है देखने में एज़ कम्पेयर टू अदर बेसिक हेयर स्ट्रेटनर्स। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे फैंसी लग रहा है, इसकी लुक वाइज बहुत अच्छा है। तो गाइज़, अब बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही हैंडी सा स्ट्रेटनर अगर परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। बाकी इसका ट्रायल लेके देखते हैं कि क्या ये सच में वर्क करता भी है या नहीं। तो चलिए मैं इसको ट्राई करती हूँ अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए। गाइज, मैंने अपने हेयर्स को ओपन कर लिया है। अब मैं आगे से मिडल सेक्शन से थोड़े बाल लूँगी, जिन पे मैंने एलोवेरा जेल से हीट प्रोटेक्टर पहले ही अप्लाई कर लिया था, क्योंकि आपके बालों को अगर आप कोई भी हीट यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज आपके जो बाल हैं वो जल सकते हैं या फिर डैमेज हो सकते हैं। और एट लास्ट अगर आप ज़्यादा हीट आपके बालों पर बिना प्रोटेक्शन के यूज़ करेंगे, ज़्यादा हीट वैसे भी अच्छी नहीं होती, तो आपके बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा भी हेयर फॉल हुआ था, बट मैं कोई हीट प्रोडक्ट, स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। ये पता नहीं शायद हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से था या फिर स्ट्रेस की वजह से। तो गाइस, मैंने आगे के ये सेक्शन ले लिया है, आप देख रहे होंगे ये छोटे बड़े बाल हैं, लेकिन देखते हैं कैसे स्ट्रेटन करता है ये। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्ट्रेटनर और इसे ऑन कर लूँगी। इसका बटन मैंने ऑन कर लिया है, सो वेट फॉर 30 seconds। तो गाइस, अब मैंने इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, ये हीट अप हो चुका है। I'm using this. Let's see कि कैसा स्ट्रेटन करता है आपके बालों को। वैसे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटन कर रहा है बालों को, 2 से 3 swipe में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मेरे बाल जो है वो सीधे हो चुके हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये उतना हार्ड स्ट्रेटन नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसकी स्ट्रेटनिंग है। बिल्कुल भी मतलब जैसे पार्लर में आपको मिलती है ना एकदम हार्श टाइप की, जो कि 2-3 दिन तक काफ़ी लंबे समय तक चलती है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपके बाल फ्रिजी है तो आप इस तरह की स्ट्रेटनिंग के लिए ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा स्लीक और शाइनी लुक मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं मेरे हेयर्स एज़ कम्पेयर टू माई अदर हेयर्स, लुक एट द डिफरेंस।
गाइस मैंने अभी इस पे कर्ल किया है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा इससे कर्ल निकल के आया है। तो आप इस स्ट्रेटनर को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इससे आप कर्ल भी कर सकते हैं और इससे आप स्ट्रेटन भी अपने हेयर्स को कर सकते हैं। मैं आपको एक और कर्ल करके दिखाती हूँ, मैंने भी अभी रिसेंटली सीखा है कर्ल करना, वैसे मुझे भी नहीं आता था। तो गाइज लेट्स होप कि अच्छा हो दूसरा कर्ल भी। मैं आपको पहले पीछे सारे हेयर्स को पीछे कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि सबसे पहले आपको ऐसे होल्ड करना है और इसके हेयर्स के पीछे की साइड इसको लेके जाना है और ऐसे आपको ट्विस्ट कर लेना है। छोटा सेक्शन लेना चाहिए था मुझे, मैंने काफ़ी बड़ा सेक्शन ले लिया आई थिंक। दोस्तों मैं अब एक और आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको सेक्शन एक और मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ इसके साथ साथ। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फ्लॉलेस कर्ल हुआ है ये वाला। तो मैं आपको एक और छोटा सा प्यारा सा कर्ल करके दिखाती हूँ कि कैसे ये कर्ल